का दाग था जो अलगाववादी सोच की सरकारों ने इसको खाई को बढ़ाने का काम करा था। आज इस मुद्दे के निपटने से हिंदू मुस्लिम एकता का नया बीजारोपण हुआ है और विकास की तरफ भारत वास्तविक मायने में आज विकास का जन्म हुआ है। जो लोग धर्म आधारित राजनीति, जात आधारित राजनीति करके पूरे देश को इलझाए हुए थे, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। और ये मुद्दा अगर सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही सन 47 में निपटा दिया गया होता तो उत्तर प्रदेश कब का उत्तम प्रदेश बन गया होता। समाज आपस में भाईचारे से बनता है और राम कृष्ण इस्लाम के भी पूर्वज हैं, उनके यहाँ जो पैगंबर और नबी हुए हैं उन्हें हिंदू भी मानते हैं। जमीन पे लड़ाई नहीं थी, ये क्रिएटिव लड़ाई थी जिस लड़ाई का बीजारोपण करा गया था। बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। असलियत में ये जिन न्यायाधीशों ने फैसला दिया है वो न्यायाधीश भी न्याय की चरम सीमा पे जाके फैसला दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से निर्णय है, इसमें किसी के लाभ हानि में नहीं देख सकते। राम यहाँ व्यक्ति की, राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये था, कोई भी बालक अपने यहाँ रावण पैदा नहीं करना चाहता, कोई परिवार अपने यहाँ विभीषण और जयचंद नहीं चाहता। राम को जितना हिंदू मानते हैं उतना ही मुस्लिम मानते हैं, और भारत में कन्वर्टेड मुस्लिम बहुत ज्यादा है। राम तो उनके भी पूर्वज हैं, इंडोनेशिया में राम की पूजा होती है, उन मुस्लिम कंट्रियों में राम की पूजा होती है जो 90% मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूर्वजों को मानते हैं। अगर घर में बेटा संस्कारी चाहिए तो राम की पूजा करनी पड़ेगी, अगर रावण की पूजा कर रहे हो तो घर में बालक भी रावण और विभीषण जैसा ही पैदा होगा। इसमें सरकार की जीत नहीं है, और जिन न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया है वो भी न्याय की परम सीमा पे जाके दिया गया, उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों ने फैसला दिया जिनके रिटायरमेंट में किसी के में 2 साल, किसी के में 4 साल, किसी के में 1 साल ऐसा बचा है। तो बिल्कुल छन के फैसला आया, और बाबर एक आतंकवादी था, अलगाववादी था, बाबर एक गुंडा मवाली था। बाबर का और नबी का कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम तो नबी से चलता है, मोहम्मद साहब से चलता है, बाबर से थोड़ी चलेगा। ये सभी को मानना चाहिए फैसला, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये रही है कि हिंदू मस्जिद बनाने में सहयोग करें और मुस्लिम मंदिर बनाने में कार सेवा करके सहयोग करें, जो एक नई राजनीति की शुरुआत हो।